पहुंच चुके हैं बिलासपुर और यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इन्होंने पनीर खाया और सारे फैक्ट्री रेत भी खाई है पीछे बहुत ही लंबी। तो अंकल से पूछा देखो कितने वीआईपी लोग हैं। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड और अब हम जा रहे हैं बस में। पूछ लेता हूँ भाई भैया कितने में चलेगी? 5 तो सबको एक बार हेलो कहाँ जा रहे हो आज तुम? कहाँ जा रहे हो बता तो कहाँ जा रहा है? शिमला। शिमला जा रहा है आज हम शिमला जा रहे हैं। आप तो रास्ते में मिलते रहेंगे ठीक है। और वेलकम सभी का न्यू व्लॉग में। क्या हुआ कुछ? उनको भी दे दो उनको। A few moments later. Guys, अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला और ये आइस बी टी न्यू बस स्टैंड शिमला। और अभी हमारे को ये हिमाचल पथ परिवहन निगम ये वाली बस मिल गई है चंबा धर्मशाला पालमपुर। तो चलते हैं यहाँ से आगे का सफ़र अपना शुरू करेंगे। गाइज यहाँ पे देखो गेट को यहाँ सीट मिली है मेरे को, यहाँ पे सीट मिली है। ये HRTC की डिलक्स बस है ना, तो इसमें हमारे को इकट्ठी सीट नहीं मिली। खुशी को इसकी फेवरेट चीज़ देती फिर से ये खाने के लिए। और सीट भी कंफर्टेबल है, ठीक है, बढ़िया है। क्या हुआ बात बता दो, अच्छा इसमें जब हम सफ़र कर रहे हैं ना वॉल्वो बस में तो मैक्सिमम बंदे सो गए हैं क्योंकि सीट इतनी कंफर्टेबल है और लंबे बसें तो सो जाती है। मैंने किसी कुछ कह सकती हूँ मैं तो रूम में बताया रहा कि लंबे रूट की बस तो क्या करेंगे, रिलैक्स करने के लिए होती है बस। और सीट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ईजी बैठ सकते हैं आराम से, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और जितनी सीट है इसमें सिर्फ उतने ही लोग इसमें बैठे हैं, मेरे को बहुत अच्छी बात है। हेलो कर दे हेलो को देखो तो कितनी वीआईपी है। अरे से पूरी पर तक पूरी सीट फुस हो गई देख तो। तब निकली कहाँ पे? ठीक है तो अभी हम पहुंचे बराड़ी घाट। और खुशी की हालत देखो तो हालत बहुत ख़राब होती जाती है क्योंकि यार आज तो HRTC बस है ना, बेशक वोल्वो बस है ना ये, बट फिर भी यार बहुत दिक्कत होती है बसों का सफ़र ना, क्योंकि ये बिलासपुर साइड है ही ऐसे। हम जब भी हम यहाँ को सफ़र करते ना तभी तबीयत ख़राब हो जाती है। गीत की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। और सामने आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, पता कौन सी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी? ये है आपका डालडा घाट, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट का प्लांट है ना लगे। अंकल ने बताया इनकी शॉप है यहाँ पे, इन्होंने बोला कि यहाँ ऊपर से बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, चलो चलते हैं ऊपर। और यहाँ से ओ भाई यहाँ से तो कुछ अलग ही नज़ारा है। दिखाई दे रही कितनी खाई है, कितनी लंबी नीचे। और भाई मैं यहाँ पे चौथे फ्लोर पे हूँ और इतनी लंबी खाई है ना। अच्छा ये है आपका अंबुजा सीमेंट के प्लांट लगा हुआ। और सामने रुको मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना बीच में रेड सा दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरी उंगली जहाँ पे, अब देखो ये है शिव जी भगवान की मूर्ति। पर मुँह उनका पल्ली साइड को है, पीठ अली साइड को है, काफ़ी दूर है। और आपको जब बिलासपुर आएंगे ना आप जब भी कभी तब लगेगा आपको पता कि कितनी लंबी। और यहाँ पे गीत और खुशी। खुशी हेलो, खुशी हेलो हेलो। और बहुत लंबी खाई है पीछे, बहुत ही लंबी। तो अंकल से पूछा मैंने और उन्होंने बोला बोला ऊपर जाओ और ऊपर से यहाँ से बनाओ आप अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी बनने की। देखो तो दिखाई दे रही है आपको मेरे पीछे। चलो अब चलते नीचे, अब देखते कुछ खाने का तो मूड है नहीं, तबीयत खराब होती है ना।
तो हम कुछ खाएंगे तो है ही नहीं, पर चलो अभी चलते गीत और खुशी के पास। खुशी इसको गर्मी लग रही थी ना तो इसको खुला दिया, ऊपर की स्वेटर ने इसकी। ठीक है खुशी अब आजा पापा के पास, आजा आजा पापा के पास, शाबाश। तो मैंने आपका यहाँ का नाम शायद बताया आपको, नहीं यहाँ का नाम है ब्राह्मी कार। और आपको यहाँ पे जितने भी बड़ी गाड़ी दिखाई देगी ना एलपी गाड़ी दिखाई देगी, वैसे तो एक गीत के इन्हीं के पास खड़े हैं। ये पता क्यों होती है यहाँ पे, पता है आपको, बताओ क्यों होती है? कैसी फैक्ट्री? रेता रेता की फैक्ट्री, रेत रोड ही नहीं, हाँ। तो सीमेंट की ना, इधर सीमेंट की है ना। अरे 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 खुशी इसके ट्राले ट्राले बस से आगे देखो तो ये तो पकड़ना इसको, ये पकड़ो यार तू, छोड़ दो मैं क्या क्या पकड़ूं। हाँ बताया नहीं आपने किस चीज की फैक्ट्री थी? अंबुजा सीमेंट। किसकी? अंबुजा अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री। हाँ सही बताया आपने। खुशी आपको कैसा लग रहा? हाँ हाँ ठीक बोल रहा। खुशी अच्छा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा, कैसा लग रहा आपको पहले बताओ। खुशी इधर देखो, हेलो तो किन सबको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है क्यों? और देखो खुशी के कपड़े हमने चेंज करवा दिए बिकॉज बहुत गर्मी है उस वजह से। और क्या बोलो उसमें ना सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। इनसे पूछो कि सफ़र करने का मज़ा क्यों? सारा पनीर निकल गया। मैंने इनको मना किया कि सुबह पनीर मत खाओ ठीक है, हैवी खाना मत खाओ। इन्होंने पनीर खाया और सारा चलो ऐसे नहीं बताते पता क्या, और सब आपको पता ही है बस। हाँ सॉरी तो भाई उसके लिए, बट आपको पता कि हम सब कुछ बता देते क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो, तो फैमिली मेम्बर को सब कुछ पता होना चाहिए। देखो तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं आ रहे हम इसमें तो। हाँ सर कुछ ज़्यादा स्मार्ट आ रहा है इसमें दोस्तों। बहुत मज़ा आ रहा है वोल्वो बस में सफ़र करके। देखो मैं वोल्वो बस की आपको एक बार बताऊँ जो हमारे HRTC है क्या फैसिलिटी है। देखो एक तो सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है कि आप अपनी मर्जी से उसको आगे पीछे कर सकते हो, आराम से सो सकते हो। दो बंदे बैठने के लिए इतनी अच्छी जगह होती है ना कि पूछो मत, और बढ़िया है। और दूसरी बात ये है कि आपको जितनी इसमें सीट होगी उतने आप लोगों को बिठाएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी लोगों को नहीं बिठाएंगे। तो अभी हम पहुँचे एम्स बिलासपुर, आप लोग ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में भी। देखो जो हम बिलासपुर को जाते हैं ना तो बिलासपुर से थोड़ा ही पीछे 5-10 किलोमीटर पीछे एम्स आपको शुरू हो जाता है, और बहुत बड़े एरिया में बना है। और साथ में इसके नवोदय विद्यालय हैं जो बिलासपुर में है, तो मैंने कभी नहीं देखा था ना मैं कभी गया था, बस सुना था नवोदय विद्यालय। तो वहाँ पर बिलासपुर से पीछे जब बिलासपुर से वापस आओगे तो आपको पहले लगेगा नवोदय विद्यालय, बाद में लगेगा एम्स। और जब शिमला से आप बिलासपुर की तरफ जाओगे तो पहले लगेगा आपको एम्स, उसके बाद लगेगा आपको नवोदय विद्यालय। तो बस हम पहुंचने वाले हैं बस स्टॉप, पहुंच चुके हैं बिलासपुर। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने सोचा था भी इतनी ज़्यादा ठंड होगी, जैसे हमारे ना देखो जैकेट पहनी, जितने भी जैकेट पहनी तो मैंने सोचा था भाई ठंड होगी, पर ठंड नहीं है। ये छोटा सा बस स्टॉप है, पहले चलते हैं अपने होटल जहाँ पर हमने रूम वगैरह ले रखे। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रूम में, और खुशी के बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ, पता नहीं मम्मी इसके बहुत मजे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे खुशी थे। और भाई कूलर लगा रखा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से हम हो गए परेशान यहाँ पे। क्यों खुशी, हेलो करते सबको एक बार, कर दे हेलो हेलो। अभी पहुँचे हैं बस, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। सब ओ कहाँ जा रहा साले पत्थर, कहाँ जा रहा मजे आ रहे इसकी खेलने के। देखो तो कितने मजे आ रहे हैं सच में, बहुत मजे आ रहे हैं इसकी खेलने के। क्या हुआ उधर खेलो, चलो चलो उधर खेलो, तो मैं आपसे थोड़ी देर मिलता हूँ इसके। देखो तो मजे आ रहे हैं, क्या हुआ हेलो है, ये देख देखो तो ओ भाई कहाँ को भाग रहा। और देखो उम्मू